हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माई कुकिंग क्रिएशन में। मैं महिमा सिंह, आज मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन पोहा। ग्रीन पोहा का स्वाद खाने में खट्टा मीठा बहुत ही मज़ेदार होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले एक बड़े से कटोरी में पोहा लेंगे और इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से धो लेंगे ताकि इसकी सारी गंदगी पानी में निकल जाए, और फिर पानी इसमें से अच्छे से निकाल लेंगे। अगर आपको इस तरीके से धोने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसे बड़े से छन्नी में भी डाल के धो सकते हैं, और फिर इसे रख देंगे जिससे पोहा थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाए। तब तक इसमें डालने वाला हम चटनी पीस लेंगे। चटनी बनाने के लिए हरा धनिया लेंगे और 3 हरी मिर्च और कुछ लहसुन की पत्तियाँ। और अब इन सारी चीज़ों को एक मिक्सी जार में डाल देंगे, और फिर इसमें आधा नींबू भी निचोड़ देना है। नींबू निचोड़ के इन सबको मिक्सी जार में पीस लेना है, और फिर इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। और फिर अब हम चलेंगे बनाने के प्रोसेस में। सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैं एक पैन रखूंगी। पैन गरम होने के बाद इसमें मैं सरसों का तेल डालूंगी। सरसों का तेल जब गरम हो जाए तो इसमें थोड़ा सा राई और जीरा का तड़का लगाना है, और फिर इसमें जाएगा कुछ करी पत्ते और एक मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज। डालकर भूनना है इसे, और प्याज का जब कलर थोड़ा चेंज होने लगे तो फिर इसमें एक कटोरी हरी मटर डालना है। हरी मटर डालने के बाद इसे थोड़ी देर तक भूनेंगे। हरी मटर को थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें पिसी हुई हरी चटनी मिला देना है, और फिर इसे थोड़ी देर तक पकने के लिए छोड़ दें। और फिर इसमें मिलाना है 1 चम्मच शुगर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला के इसमें फिर इसे 2 मिनट तक अच्छे से भुनें, और एक बार चेक कर लें कि मटर पक गया है कि नहीं। मटर जब अच्छे से पक जाए तो इसमें भिगाया हुआ पोहा डाल देना है, और डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट तक अच्छे से भून लें, और फिर पोहा हमारा तैयार है। और अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से पोहा ज़रूर बनाएं अगर आप सिंपल तरीके से पोहा खा के उग चुके हों तो। और फ्रेंड्स, सर्दियों में पोहा खाने का एक अलग ही मज़ा होता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।